तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खरीद होंगे, फिट फाट होंगे। तो हाजिर हूँ दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तो बात करते हैं बेसबॉल, पाक बॉल, द पाकिस्तान वे, जो भी आप समझ लें। कुछ लोग कह रहे हैं शान बॉल, क्योंकि शान मसूद जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त खेले थे और पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ जो था दूसरा दिन टेस्ट मैच का, वो जो है वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से। और कल भी सुनने में आ रहा है, कल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं बारिश के। अब देखते हैं कि सूरत हाल कल के दिन की जो है वो क्या रहती है। खैर, पाकिस्तान की टीम की जानब से जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई गई। पाकिस्तान टीम की जो फील्डिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव नज़र आई। आपको देखिए, जब भी फॉरेन कोचेज़ आते हैं तो पाकिस्तान की टीम की जो मतलब के फील्डिंग होती है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। और आज मतलब कि आप देखें, कल पाकिस्तान ने 2 रन आउट भी किए और इसके अलावा अब्रार अहमद जो हैं वो छाए हुए हैं इस टाइम पर और 4 विकेट ली उन्होंने। नसीम शाह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 3 विकेट उन्होंने ली, 1 विकेट जो है वो शाहीन के हिस्से में आई। तो काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की और श्रीलंका को जो है वो आपने 4 रनों जो है वो जीत कर दिया, सिवाय चंदीमल और डी सिल्वा जो ये 2 बैट्समैन हैं। ये पिछले मैच में भी इन्होंने जो है वो आपको काफ़ी मुश्किल में डाला था और इस मैच में भी जो है वो डी सिल्वा ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल में डाला। खैर, 166 रन पर जो है वो पूरी टीम ऑल आउट हो गई और जवाब में जो पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। अब्दुल्ला शफीक फाइनली जो है वो अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, 87 रन पर जो है उस टाइम पर खेल रहे हैं। जब दूसरे दिन का खेल हुआ तो पाकिस्तान ने जो लीड भी ले ली थी 12 रन की और 178 रन पर 2 आउट थे। और बाबर आजम जो हैं वो 28 रन पर खेल रहे हैं, 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया है। और पाकिस्तान की इनिंग काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ रही थी और पहली दफ़ा पाकिस्तान की इनिंग में जो है पाकिस्तान ने 35 ओवर खेले हैं और 1 ओवर भी जो है वो डॉट बॉल नहीं खेली। तो इस चीज़ को जो लेकर जो है वो पाकिस्तानी फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि पाकिस्तान टीम से जो है वो काफ़ी अच्छे से फैंस जो है वो डिमांड कर रहे थे इस चीज़ की। शुएब अख्तर ने भी ट्वीट किया कि पाक बॉल है या क्या चीज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉस बॉल जो आप समझे, मकलम की जानब से जो है जब से इंग्लैंड टीम के जो कोच बने हैं तब से जो है इंग्लैंड की टीम जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट क्रिकेट में एक नई आप समझ लें कि चीज़ लेके आए हैं वो टेस्ट क्रिकेट में और काफ़ी ज़बरदस्त इस फॉर्मेट को थोड़ा सा जो है वो उन्होंने तेज़ कर दिया। जैसा कि आप देखें, पिछला मैच जो ड्रॉ हुआ है वहाँ पर भी इंग्लैंड की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। क्रॉली की आप परफॉर्मेंस देखें, बाकी खिलाड़ियों को देख लें, तो शान मसूद जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो इनिंग खेली। और कुछ लोग जो है उस चीज़ शान बाल भी कह रहे हैं, क्योंकि शान मसूद ने जो है वो 44 गेंदों पर जो है वो 50 रन बनाए। तो ये फास्ट टेस्ट में खैर से 4थे नंबर पर पाकिस्तान की जानब से जो है वो टेस्ट में फास्ट टेस्ट 50 है। और अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त खेल रहे थे, उनकी जानब से जो है वो अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी गई। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान टीम जो है वो स्ट्राइक को रोटेट कर रही है और कोई ओवर जो है मेडन नहीं खेल रही, बल्कि जो है वो रन बनाने की जो है वो कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो रहने वाली है। अब देखते हैं कि कल का दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसा रहता है, कि आया पाकिस्तान टीम जो है वो मतलब कि डोमिनेट करती है या नहीं करती, या श्रीलंका की टीम या बारिश जो है वो डोमिनेट कर जाती है। क्योंकि तीनों टेस्ट मैचेस जो इस वीक के चल रहे थे, जिनमें इंडिया वेस्ट इंडीज़ का 5वां दिन वॉश आउट हो गया, एशेज़ के 2 दिन वॉश आउट हो गया, फिर पाकिस्तान का और आज वाला दिन जो था वो भी वॉश आउट हो गया, तो कल का दिन जानी मतलब कि जब तीसरा दिन शुरू होगा, क्योंकि आज मैं दूसरे दिन की जो है वो शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान की टीम देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस उसमें रहती है पाकिस्तान की टीम की। इसके अलावा बात करते हैं मिसबाह उल हक की। मिसबाह उल हक जो है दोबारा से पीसीबी के साथ जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और अब देखते हैं कि वो पीसीबी में जो है वो कौन सी जॉब लेते हैं। तो उन्होंने जो है वो जक्का अशरफ ने जो है वो उनको पीसीबी में जो है वो मतलब कि पाकिस्तान के जो तमाम उस चीज़ का क्रिकेटिंग चीज़ है उसके जो है वो हेड होंगे और क्रिकेट के जो मामलात हैं वो संभालेंगे। अब देखते हैं कि वो उनके अंडर जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। इसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज़ की। तो वो जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान जो है उस चीज़ का होस्ट है और 20 तारीख को जो है वो सीरीज़ फाइनल हुई है और ये सीरीज़ जो है वो होगी हम्मद बतौता में श्रीलंका में। और फाइनली जिसका शेड्यूल है वो अब आने वाले दिनों में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हरमप्रीत कौर की, जो इंडिया टीम के कैप्टन है। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश के जो मैच हुआ था तो वहाँ पर जो है वो जैसे कि मामलात हुए थे और उन्होंने जो है अंपायरिंग पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी और मैच ड्रॉ हो गया था। तो लास्ट में जो फोटो सेशन था वो भी छोड़कर जो चली गई थी बांग्लादेश की टीम, क्योंकि वो हरमप्रीत कौर जो है वो इंडियन कैप्टन, उन्होंने जो है वो अंपायर्स को बुला लिया कि आप भी जो है वो आ जाएँ और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंसल्टिंग वे में या एक गुरू के तौर पर जो है उनके मतलब के तासुरात रहे। तो फाइनली जो वुमेन क्रिकेट की जो पहली वो क्रिकेटर बनी है जिन्होंने आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, उनके ऊपर जो है वो 75% मैच फी का
और दो मैचेस जो आगे एशियन गेम्स हो रही हैं चाइना में, वहाँ पर जो है वो दो मैचेस नहीं खेल सकी, उन पर जो सकेंगी दो मैचेस की जो है वो पाबंदी उनके ऊपर लग चुकी है। तो ये आज की सारी सी छोटी सी मतलब कि अपडेट थी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।